हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू रिव्यूज़ में। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एडिडास के एक शूज़ का। इस शूज़ का जो मॉडल है वो थ्रोम एम है, और इस शूज़ को मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है। इसका जो MRP है 2699 है। फ्लिपकार्ट पे इस शूज़ को 4.2 रेटिंग मिली है, जिसे 7000 से ज़्यादा लोगों ने रेट किया है। और बात करेंगे कि क्या ये शूज़ आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा, और बात करेंगे साथ ही इसकी स्पेसिफिकेशन की। अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो से रिगार्डिंग सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से बॉक्स हमें देखने को मिलता है। एडिडास का लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन में ये बॉक्स देखने को मिलता है। बॉक्स थोड़ा डैमेजिंग कंडीशन के अंदर है, और इस साइड आपको देखने को मिलेगा शूज़ का मॉडल, शूज़ का प्राइस, और इसकी जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो दिसंबर 19 की है। और इसका जो साइज़ मैंने परचेज़ किया है वो UK 9 है। चलिए जल्दी से शूज़ को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं किस तरीके का शूज़ हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है शूज़ की। तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ शूज़ का। जो शूज़ मैंने ऑर्डर किया है वो ग्रे कलर के अंदर ऑर्डर किया है, और यहाँ पर आपको ब्लैक स्ट्रैप देखने को मिल जाएंगी। तो इसका एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ आपको, और इस तरीके से इसका सोल देखने को मिलता है। पीछे की साइड एक स्ट्रैप दिया हुआ है। दूसरे पैर को भी देख लेते हैं हम, और सेम एग्जैक्ट ही वैसा ही है। काफ़ी नीट एंड क्लीन डिज़ाइन के साथ आ रहा है ये, और क्वालिटी अच्छी लग रही है शूज़ की, और काफ़ी लाइट वेट है ये शूज़। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी लाइट वेट है ये शूज़। और ये शूज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीट ही मैश से बना हुआ है, ब्रीदेबल मैश इसमें यूज़ की गई है, और इसकी मैच की जो क्वालिटी है काफ़ी प्रीमियम लग रही है। और यहाँ पे आपको स्ट्रैप देखने को मिलेंगे, जो कि एडिडास का लोगो है। ब्लैक कलर के अंदर ये स्ट्रैप आपको देखने को मिलते हैं। पीछे की साइड आपको ग्रे कलर के अंदर ही एक स्ट्रैप देखने को मिलता है, और पीछे की साइड एडिडास का एक आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। शूज़ को टर्न करते हैं तो यहाँ पे भी 3 स्ट्रैप आपको देखने को मिल जाएगी, और ये कम्प्लीट जो शूज़ है वो मैच का ही बना हुआ है। तो ये जो शूज़ है वो बिल्कुल ड्रोगो एम, जो कि एडिडास का एक मॉडल है, बिल्कुल सेम उसके जैसा है। कोई भी फ़र्क नहीं है, बस उसकी लेसेस में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसमें सिंगल कलर की लेसेस देखने को मिलती है, और इतनी राउंडेड शेप में नहीं है, थोड़ी सी फ्लैट लगती है और थोड़ी राउंडेड लगती है उसकी लेसेस। लेकिन ये डबल कलर के अंदर कंप्लीट राउंड शेप के अंदर लेसेस प्रोवाइड की गई है शूज़ के अंदर। बस एक माइनर सा डिफरेंस है, बाकी सेम डिज़ाइन, और जो इसका सोल है बिल्कुल सेम है, और कंप्लीट वो भी शूज़ मैच से बना हुआ है। तो बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है दोनों शूज़ के बीच में, तो आप दोनों में से कोई भी शूज़ परचेज़ कर सकते हैं। तो बात करते हैं शूज़ के सोल के बारे में। तो शूज़ का जो सोल है वो कंप्लीट वाइट आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको हेक्सागोन पैटर्न देखने को मिलता है शूज़ के अंदर, जो कि आपको अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करेगा, और साथ ही आपको एडिडास का लोगो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस शूज़ का जो सोल है EVS से बना हुआ है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का EVS सोल यहाँ पे यूज़ किया गया है। साइड सोल की बात करते हैं तो प्लेन साइड डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जाके लाइनिंग देखने को मिलती है, और यहाँ पे एडिडास का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। इस साइड भी आपको प्लेन डिज़ाइन ही देखने को मिलेगा इस शूज़ के अंदर, और फ्रंट में इस तरीके का डिज़ाइन हमें इस सोल में देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का EVS सोल प्रोवाइड किया गया इस शूज़ के अंदर, और EVS सोल की वजह से ये शूज़ काफ़ी हल्का हो जाता है, काफ़ी लाइट वेट है ये शूज़। तो बात करते हैं शूज़ की लेसेस क्वालिटी के बारे में। तो डबल कलर के अंदर यहाँ पर काफ़ी अच्छी लेसेस प्रोवाइड की गई है, और जो लेसेस की क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम लग रही है इसके प्राइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको एडिडास की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और शूज़ की टंग है इसमें पैडिंग दी हुई है, और यहाँ पे आपको सिल्वर कलर का क्लोथ देखने को मिल जाएगा। ये क्लोथ ही है, यहाँ पे मैश का यूज़ नहीं किया गया है। बात करते हैं शूज़ के इनर सोल के बारे में। तो यहाँ पे आपको मेड इन इंडिया लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे साइज़ आपको देखने को मिलेगा, साथ ही यहाँ पे QR कोड भी देखने को मिल जाएगा। अंदर की बात करते हो तो यहाँ पे एडिडास का लोगो देखने को मिलता है आपको, और इसकी जो कुशनिंग है वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और काफ़ी अच्छा कम्फर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक इस शूज़ को वियर करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे आप, तो मेरे हिसाब से काफ़ी कंफर्ट होने वाला है शूज़। और ये शूज़ मेनली जो बनाया गया है वॉकिंग के लिए बनाया गया है, रनिंग के लिए शूज़ को मैं रिकमेंड नहीं करता। और इसकी क्वालिटी से ये शूज़ ऐसा लगता है कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है। बात करते हैं शूज़ के प्राइस के बारे में। इस शूज़ का जो MRP है 2699 है, और आफ्टर डिस्काउंट ये शूज़ मैंने परचेज़ किया 1547 रुपीज़ के अंदर। तो ठीक ठाक डिस्काउंट मिल जाता है इन शूज़ पर। अराउंड ये शूज़ आपको 1200 से 2000 की रेंज में मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे। अगर शूज़ को डिज़ाइन और लुक के लिए अगर मैं रेट करना चाहूँ तो काफ़ी नीट एंड क्लीन डिज़ाइन के साथ आता है, इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे।
तो इसकी बिल्ड क्वालिटी और लुक के लिए इस शूज़ को अगर मैं रेट करना चाहूँ तो इस शूज़ को मैं 8.5 रेटिंग करता हूँ आउट ऑफ 10। अगर बिल्ड क्वालिटी के लिए शूज़ को मैं रेट करना चाहूँ तो काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की मैश आपको प्रोवाइड की गई है और इसका ईवी सोल भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो इसके प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी बिल्ड क्वालिटी के लिए मैं 9 out of 10 रेटिंग देता हूँ शूज़ को। और बात करते हैं कम्फर्ट की, तो इस सेगमेंट में इस शूज़ को मैं 9 out of 10 ही रेटिंग करूँगा। तो काफ़ी अच्छा कम्फर्ट आपको प्रोवाइड करता है शूज़ ये, तो ईजिली आप वॉक कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं इस शूज़ के अंदर। लेकिन स्पेशली ये शूज़ जो डिज़ाइन किया गया वो स्पेशली वॉकिंग के लिए डिज़ाइन किया गया, तो काफ़ी लाइट वेट है शूज़, तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए शूज़ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, तो लंबे समय तक ये शूज़ को आप वियर कर सकते हैं। और वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो अगर ये शूज़ आपको 1200 से 2000 की रेंज में अगर इसको आप खरीदते हो फ्लिपकार्ट से, तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है आपके लिए। होप इस शूज़ से रिगार्डिंग मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे इन फ्यूचर में मेरी वीडियो से रिगार्डिंग सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे।